एका सराईत गुन्हेगारावर 307 गुन्हा दाखल करू नका यासाठी आमदार अमोल मिटकरींनी दबाव आणल्याचा आरोप होतोय। तशी ऑडिओ क्लिप व्हायरल होती आहे, गुंड सतीश वानखेडेंवर गुन्हा दाखल केल्यास विधानसभेमध्ये प्रश्न मांडणार असा इशारा मिटकरींनी अकोल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंग यांना दिलेला। ऑडिओ क्लिप सध्या सर्वत्र व्हायरल होती आहे, साम टीव्ही मात्र या ऑडिओ क्लिपची पुष्टी करत नाही। ये ऑडियो क्लिप का है ती बघूयात आपण। करते होंगे तो मैं अधिवेशन में मसला छेड़ूंगा और देख रहा हूँ मैं अकोला का भी क्या तरक्की करेगा। आप कभी भी आपसे रिस्पेक्ट की बात करता हूँ तो आप उसी ऊंची आवाज में बात करके बोलते हो हमें। अगर ये इलीगल काम 307 में अगर उसकी कोई गुनाह नहीं होगा उसका 307 का, फिर भी आप 307 की FIR कर रहे हैं, ये किस तरीके की फेयर बात है? बात नहीं करी है, गलत बात है। आप ऊंची आवाज में हरदम बात करते बच्चन साहब, मैंने दो बार देखा है आपसे। तीन प्रकरण लेके आया था मैं पातुर पुलिस स्टेशन के, क्या कार्रवाई की आपने बताओ? नहीं सॉरी सर, ये आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि हम ऊंची आवाज में बात करते हैं। अगर एक कोई आरोपी होगा और वो सुधर रहा होगा तो उसको अगर वो एक मौका नहीं दे रही पुलिस तो काहे का सर रक्षण खल दिख रहा है, उसको सुधरने का मौका नहीं दे रहे आप। सर मेरा आप एक मिनट बात सुनिए, ठीक है? किस तरीके से बात सुनो बच्चन साहब, आपको कौन सा तरीका है बच्चन साहब बात करने का? सर पुरानी चीज का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज फिर से FIR क्यों बढ़ा रहे हो आप 307 का? ये कल के 3 FIR हुए बराबर है ना? आप कुलकर्णी को बताइए, अगर रॉन्ग तरीके से 307 दाखिल होता होगा तो मैं भी सेशन में मसला उठाऊंगा अधिवेशन में। आज 307 का क्या मसला था बताओ आप कोर्ट में, क्यों 307 करा रहे हो आप? मैं पुरानी सप्लीमेंटरी स्टेटमेंट के आधार पे किया हुआ है। आइंदा आपसे फोन पे भी बात नहीं करूंगा, जो बोलना है मैं CM से बात करूंगा और HM से बात करूंगा। आपसे क्यों बात करूं भाई, आपका नौकर थोड़ी ना हूं मैं। सर मैंने एकदम विनती पूर्वक बात की, तुमने इनरिस्पेक्टली बात किया आपने मेरे साथ। नहीं गलत, 307 अगर वो आरोपी पे जानबूझ के करते होंगे आप तो देखिए सर ये दिस इज रॉन्ग। जानबूझ के नहीं किया जा रहा, दिस इज रॉन्ग। वो सतीश वानखेड़े ने क्या बिगाड़ा है आप सब लोगों का, क्यों उसके पीछे पड़े हो आप? हम तो सर जानते भी नहीं, उसका मेडिकल नहीं हुआ, उसके पास कोई वेपन नहीं था, फिर भी 307 वेपन न होती हुई 307 कैसे? और पहली बात नहीं है, 307 रोको आप किसी भी तरीके से, अगर FIR हुआ गलत तरीके से तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू।